अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर स्टूडेंट के साथ साथ अगर कोई माँ पिता मदर फादर भी अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं, या अगर पॉसिबल है तो आप उन्हें इस वीडियो को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि अगला फैक्टर स्टूडेंट से ज़्यादा मम्मी पापा का यहाँ पे रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को सक्सेस देना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे होता है सपोर्ट, और बच्चों को किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, किसी बाहर के व्यक्ति का सपोर्ट नहीं चाहिए। अगर घर वालों का सपोर्ट आपके साथ है तो आप जरूर बड़े से बड़ा लक्ष्य अपनी लाइफ में अचीव करेंगे। इसलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं इसमें। अगर हम प्रदीप सिंह के केस में बात करें तो इनकी सक्सेस में सबसे बड़ा सपोर्ट जो था वो इनकी फैमिली का था, इनके माँ और पिता का था। और इस बात को आप भी समझिए, अपने घर वालों को, ठीक है, अपने पेरेंट्स को हमेशा आप कॉन्फिडेंस में लेकर चलिए, उनका सपोर्ट आपके साथ होना चाहिए। और अगर आप इस चीज को सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बात को समझिए कि उन्हें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमें ये ऐसा कहने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो। पर ऐसा कहने वाले बहुत कम हमारी जिंदगी में होते हैं जो ये बोलते हो कि नहीं बेटा, तुम लगे रहो, तुम तब तक लगे रहो जब तक तुम्हारी इच्छा है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम किसी चीज की चिंता मत करो। ये दो तीन सेंटेंस ही आपके बच्चे में किसी भी व्यक्ति के अंदर जान फूंक देता है, एनर्जी आ जाती है, केवल ये दो तीन शब्द अगर आपने किसी से कह दिए। तो अगर आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। आप एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, आप एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं, सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। प्रदीप सिंह के केस में कई बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब नहीं करना है, मैं नहीं मैनेज कर पा रहा हूं। ये अपने माँ पिता से बात करते थे और वो एक ही बात बोलते थे कि इस तरह मत छोड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, एग्जाम पे फोकस करो, जो होगा देखा जाएगा। तो कुछ चीजें जो हैं आपके अंदर अलग ही एक एनर्जी बूस्ट कर देती है, आपकी एनर्जी कई गुना बढ़ा देती है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और मेरी एक रिक्वेस्ट उन सब लोगों से है कि अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो आप किसी को डीमोटिवेट भी मत करो, क्योंकि उस डीमोटिवेशन आपने तो एक या दो या पांच मिनट बोलकर आप तो चले गए, पर उसका असर कई बार उस व्यक्ति पर जिंदगी भर रहता है। कुछ सेंटेंस हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं, कुछ बातें हमारी जिंदगी में ऐसी होती है जिनको हम जिंदगी भर नहीं निकाल पाते। तो आप तो बोलकर चले गए, पर किसके दिल में कितनी गहराई तक वो बातें बैठ गई हैं इसका आपको अंदाजा नहीं होगा। तो अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं तो आप किसी को डीमोटिवेट भी मत कीजिए, और कोशिश कीजिए सबके साथ आप पॉजिटिव बातें करें, सबको आप एक पॉजिटिव एनर्जी दें और सबको आप मोटिवेशन ही दें। और अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो प्लीज आप नेगेटिव चीजें भी मत शेयर कीजिए, ओके? सो कॉन्फिडेंस कम ज्यादा होता रहता है, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। इसलिए मोटिवेशन अगर आपको अपने पेरेंट्स से मिलेगा, आपको सपोर्ट अपने फैमिली और फ्रेंड से मिलेगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हूं, आप एक बात मेरी मानिएगा, हमेशा किसी से शेयर कीजिए जो आपकी वो बात समझ सके। अगर आप किसी से शेयर करेंगे, क्योंकि क्या होता है जब कोई चीज आपके दिमाग में चलती है तो आपको कोई हल नहीं मिलता है, आप मन ही मन परेशानी आपकी बढ़ाते जाते हो। अगर आप किसी से शेयर करेंगे आपकी प्रॉब्लम यूं सॉल्व हो जाएगी, आपकी पूरी एनर्जी वापस आ जाएगी और आप एक बार फिर से अपने रास्ते पर लौट जाएंगे। तो अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, अपने भाई बहन किसी से भी शेयर कीजिए, आप पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है।